स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। समझते हैं कि CNC मशीन में वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है। तो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो मशीन को मूवमेंट कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी कि मशीन का जो मूवमेंट होगा एक्स एक्सिस में या जेड एक्सिस में वो किस बेसिस पे होता है, वो होता है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट निकालते हैं और इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं और इसके रीड करके ही मशीन क्या करती है, अपनी पोजीशन लेती है। तो आइए शुरू करना है। तो CNC मशीन में प्रोग्रामिंग के जो मेथड हैं, तरीके हैं, वो दो टाइप्स के हैं। एक होता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के बारे में। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में सबसे पहले एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो एक्सिस होता है वो एक्सिस कैसे होता है। जैसे हमने एक फिगर ड्रा कर रखा है ऑलरेडी, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, जिसके सामने एक ऑपरेटर खड़ा है, यानी कोई CNC मशीन है उसके सामने ऑपरेटर खड़ा है। तो उसके सामने वाला आमने सामने का जो एक्सिस होगा, आमने सामने का, वो एक्स एक्सिस होगा और जो हमारे लेफ्ट और राइट जो हमारा एक्सिस होगा वो जेड एक्सिस होगा। तो आप मान लीजिए एक्स और वाई एक सेंटर पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसे हम वर्जिन भी बोलते हैं या वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर भी बोलते हैं, जिस पे जो सेंटर होता है, पॉइंट जो होता है एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। यहीं से क्या होता है, हमारा प्लस डायरेक्शन और माइनस डायरेक्शन का कंक्लूड करते हैं। जब भी हम जेड में इस सेंटर पॉइंट से हम बाएं चलेंगे तो हमारा माइनस की तरफ होगा, और इस सेंटर पॉइंट से राइट हम जाएंगे तो हमारा प्लस डायरेक्शन होगा। उसी तरीके से इस सेंटर पॉइंट से जब भी हम आगे की तरफ जाएंगे तो एक्स में वो प्लस होगा, और जब भी हम अपने तरफ हम आएंगे तो वो हमेशा माइनस होगा। हम इस ऑपरेटर के हिसाब से अगर कंसीडर करेंगे चीज़ों को तो हमें आसानी होगी समझने में। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट हम निकालते कैसे हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मान लीजिए हमने ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये हमने डिवाइड कर दिया एक्सिस को, ये एक्सिस जो है इनको हमें कई भागों में डिवाइड कर दिया है। हमने एक पॉइंट दे दिया ए, एक पॉइंट दे दिया ए। अब देखिए ये जो ए है ये एक्स एक्सिस प्लस में 5 पर है, और ए जो है जेड एक्सिस इस सेंटर पॉइंट से राइट साइड है और 5 पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स में क्या निकलेगा, इसका कोऑर्डिनेट जो एक्स में निकलेगा प्लस में 5 निकलेगा, प्लस में 5 निकलेगा, और जेड में भी क्या निकलेगा, प्लस में 5 निकलेगा। इसी प्रकार जब हम बी का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो एक्स प्लस में 3 होगा, और जेड क्योंकि जेड ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से राइट है, तो जेड ये 3 होगा। 3 को अगर सीधा हम इसको खींचते हैं तो 3 पे आके मिलता है, तो इसमें ये भी क्या होगा, 3 प्लस में होगा। अब आ जाते हैं सी का सेंटर पॉइंट, सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो सी का कोऑर्डिनेट हम जब भी देख रहे हैं, ये सी जो है, सी पॉइंट है वो इस सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड है। सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड जब भी हम चलते हैं तो वो जेड एक्सिस में माइनस होता है। अब देखिए ये पॉइंट इस सेंटर पॉइंट से एक्स में प्लस की तरफ है, यानी इधर है, प्लस प्लस की तरफ है,
तो एक्स में प्लस की तरफ है तो ये कहाँ मिल रहा है, चार पे, तो सी एक्स में चार पे। अब ये सेंटर पॉइंट से इधर है, तो जब भी हम सेंटर पॉइंट से बाएं चलते हैं तो माइनस होता है, और माइनस में कितना है, छः, तो जेड में कितना हो जाएगा, माइनस छः। उसी तरीके से अब हम पॉइंट निकालते हैं डी, पॉइंट नंबर डी का। तो देखिए ये जो क्वाड्रेंट हुआ हमारा, ये पॉइंट जो हुआ जेड में माइनस की तरफ है और एक्स में भी सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ है यानी माइनस की तरफ है, तो एक्स में ये कितना हो जाएगा, ये दो पर जा कर के मिल रही है। जैसे ही अगर हम सीधा मिलाते हैं तो एक्स में माइनस दो और जेड में माइनस के सेंटर पॉइंट से इधर है तो ये तीन है, तो माइनस तीन हो गया। इस पर इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट बड़े आसानी से इजीली हम निकाल सकते हैं, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा और विस्तार से इसे समझते हैं। सपोज़ मान लीजिए ये कोई आपका आरएम दिया हुआ है, आरएम का मतलब होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आपका मिला हुआ है 200 इंटू 100 का है, यानी 200 mm, ये mm में, और 200 mm इसकी लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है यानी डाया जो है, इसको एक सर्कुलर मान लो आप, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, इसका जो डाया है वो 100 mm का है और जो लेंथ है वो 200 mm का है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम चक में बांधेंगे, चक में बांधेंगे। यहाँ पे हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, टर्निंग सीएनसी टर्निंग मशीन में जॉब हमेशा रोटेट करती है, टूल हमेशा आकर के मूवमेंट करके उसके साथ टच हो करके तब कटिंग करता है, जबकि बीएमसी मशीन में इसके अपोजिट है, वहाँ पे टूल रोटेट करता है और जॉब पे जा कर के कट करता है। तो ये मेज़र डिफरेंस है, बीच में आ गया तो बता दिया। अब ये मान लीजिए हमने चक में इस पार्ट को फिक्स कर दिया, बांध दिया, चक में हमने ये पार्ट को बांध दिया। अब हमारा जो एक्सिस है, ये एक्सिस हमने दिखा दिया, ये सेंटर पॉइंट ले लिया, मान ली सेंटर ले लिया, और ये जेड प्लस हो गया, एक्स प्लस हो गया, एक्स माइनस हो गया, जेड माइनस हो गया। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात जो होती है यहाँ पे, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या फिर लड़के जो भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो गलत चीज़ें पिकअप करके जाते हैं, गलतियाँ ज़्यादा गलतियाँ करके आते हैं। वो क्या है कि इस सेंटर से ही इसका कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, लेकिन जब भी हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इसके यहाँ से डाया को कंसीडर करेंगे, ना कि सेंटर को कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, डाया को कंसीडर करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस का वो होगा 98, यानी 98 का बनाना है, तो एक्स एक्सिस में 98 होगा और जेड में ये पॉइंट होगा, जेड में सेंटर पॉइंट पे है, तो जब भी सेंटर पॉइंट पे कोई चीज़ भी होगी, ये बिल्कुल जेड सेंटर पॉइंट पे है, कि सेंटर पॉइंट से ना तो इधर है ना तो इधर है, ये बिल्कुल सेंटर पे है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर बी पे। पॉइंट बी पे यहाँ भी एक्स में सेम डाया है तो 98 हो जाएगा, और ये सेंटर पॉइंट है, जब इसके इधर आ रहा है, अब इसके जेड में ये सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड आ रहा है, कितना mm आ रहा है, 50 आ रहा है, 50 mm, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा, माइनस
50 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं सेंटर नंबर 3 यानी पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 3 पे जो एक्स एक्सिस होगा यानी जो डाया होगा मैक्सिमम वो कितने का है, 100 का है, तो 100 का डाया है। और जेड एक्सिस जो होगा, जेड एक्सिस में जो ट्रेवल होगा ये माइनस कितने, माइनस में 50 होगा, माइनस में 50 होगा। ये निकल गया, इसके कोऑर्डिनेट निकल गए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टाइप के कोऑर्डिनेट 2, 4, 10 जो भी है निकाल सकते हैं निकालिए, जिससे आपके अंदर की जो भी हेजिटेशंस होगी वो दूर हो जाएगी। अभी जो हम निकाल रहे हैं ये हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। अब एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में जो डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में जब भी हम पॉइंट देते हैं या कोऑर्डिनेट निकालते हैं वो हमेशा सेंटर पॉइंट से रीड करते हैं, यानी कि सेंटर पॉइंट से देते हैं। और इंक्रीमेंटल में क्या होता है, वो प्रीवियस पॉइंट से देता है, यानी कि मान लीजिए कोई पॉइंट हम यहाँ निकाले हैं, मान लीजिए ए पॉइंट या एक यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट ये बी है, तो जब भी यहाँ से ये डिस्टेंस हम निकालेंगे चलेंगे, फिर जो ये डिस्टेंस होगा हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अपने पिछले पोजीशन से ही अगला पोजीशन का को निकालना, डिस्टेंस दे देना, वही हमारा इंक्रीमेंटल होता है। यानी अपने जो वहाँ से डिस्टेंस, जो डिस्टेंस निकाला जाता है अपने प्रीवियस पॉइंट से निकाला जाता है। अभी हमने देख लिया कि कैसे सीएनसी में किस टाइप से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। आज की वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।